ए रॉकी। यस सर। पढ़ाई करता कि नहीं करता घर में? सर जी करते हैं ना, वो भी मन लगा के। अच्छा, फिर मेरा एक सवाल का जवाब दे। पूछो। हमने एक बकरी के सामने 10 पत्ते रखे, लेकिन बकरी ने सिर्फ 9 पत्ते खाए, एक पत्ता नहीं खाया, बता क्यों? क्योंकि वो पत्ता गंदा था। अरे नहीं रे, क्योंकि वो पत्ता प्लास्टिक का था। तो सर जी आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। हाँ तो पूछ। मैंने एक बंदर के सामने 10 केले रखे, लेकिन बंदर ने एक भी केला नहीं खाया, बताओ क्यों? क्योंकि सब केले प्लास्टिक के थे। गलत जवाब, क्योंकि वो बंदर ही प्लास्टिक का था। तमीज, टीचर पे हंसता है। ला 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 ला। बस करो। सर जी गुस्सा कम हो गया का? बेटा जैसा गाना तूने गाया ना, गुस्सा कम नहीं होगा, बढ़ गया। आप हमें गाने की तोहीन कर रहे हैं सर। बेटा आप तुम्हारा तोहीन कर देंगे। कैसे कर देंगे सर? तुमको पीट के कर देंगे। अरे कैसे टीचर हो? हाँ टीचर, टीचर है। कौन बोला? हमने बोला सर। बेटा डर नहीं लगता तुमको? सर हम डरने वाली नहीं, डराने वाली पार्टी है। किसको डराता है? सर जी कुत्तों को डराते हैं डंडा दिखा के। बेटा डंडा तो हमारे पास भी है। तो आप भी कुत्ते डराते हो का? कुत्ते नहीं डराते, तुम्हारे जैसे बकरी जानवर को डराते हैं। लेकिन हम तो डरते ही नहीं। सर जी हम डरते हैं। देखो ये डरता है हमसे। अरे घुइया तुमसे डरते हैं, हम तो भूतों वाली फिल्म देख के डरते हैं। और बोलो तुम लोग, जैसा बोलोगे वैसा जवाब मिलेगा। अब जाओ बेटा, तुम बैठ जाओ जाके। हाँ तो बेटा आज तुमको पढ़ाएंगे हार्ट के बारे में, मतलब दिल के बारे में। क्या बात है सर, आज तो आपने मेरे दिल की बात छीन ली। बेटा तो लपड़ लगाएंगे ना, कि जो दिल हाथ में लेके बैठे हो वो दिल वापस अंदर घुस जाएगा। मार के दिखाओ। दिखा दिया। अब कुछ? सर जी जब लिल्ली मैडम की शादी हो गई थी तब तो आपका दिल भी टूटा होगा। हाँ बेटा टूटा तो था। तो सर चिपकाए किसे? बता भी तुमको किसे चिपकाए थे। मुंह भी तुम्हारा वही चीज से चिपका देंगे। अभी ये जो ज्यादा पकड़ पकड़ कर रहे हो ना, अभी बंद हो जाएगी निकले गड़े। चलो अब पढ़ाई शुरू, सब ध्यान से देखो। सर जी देख के तो रहे, वो भी बहुत ध्यान से। तमीज, ब्लैक बोर्ड पर ध्यान देने का बोल रहे तुमको, कहाँ ध्यान दे रहा है? सर जी आप जहाँ बोल रहे हैं वही तो ध्यान दे रहे हैं। और सर मम्मी भी यही कहती है कि जहाँ दिल लगे वही काम करना चाहिए। कहाँ लगा दी तुम्हारा, कहाँ लगा? चलो अब पढ़ाई शुरू, सब ध्यान से देखो। सर जी देख के तो रहे, वो भी बहुत ध्यान से। तमीज, ब्लैक बोर्ड पर ध्यान देने का बोल रहे तुमको, कहाँ ध्यान दे रहा है? सर जी आप जहाँ बोल रहे वही तो ध्यान दे रहे हैं। और सर मम्मी भी यही कहती है कि जहाँ दिल लगे वही काम करना चाहिए। कहाँ लगा दी तुम्हारा, कहाँ लगाए, कहाँ यहाँ लगा दी तुम्हारा यहाँ? बेटा सलमान खान भी अपनी शादी को लेकर इतना परेशान नहीं है जितने हम परेशान है तुम लोगों से। अरे सर आप तो हो उस लायक, कभी कुछ किया होगा ढंग का? अभी पढ़ा रहे थे और अभी सलमान घर पर चले गए। तो बेटा तुम हमको पढ़ाना सिखाओगे, तो बताओ जरा दिल कहाँ होता है? फिलहाल तो मेरा दिल उसके पास है सर, लेकिन कुछ देर बाद का पता नहीं। और क्या का? यार आज पढ़ाई का मन ही नहीं हो रहा। मन तो पढ़ाई का हमारे भी नहीं हो रहा, पता नहीं कौन कमबख्त पढ़ाने आएगा। हम। गुड मॉर्निंग सर। पढ़ाई वढ़ाई तो कुछ करना नहीं, गुड मॉर्निंग बोलते रहो तुम लोग, अगली बार नहीं बोलेंगे। कौन बोला? सर जी हमने बोला। कलयुग है भैया, घोर कलयुग, अब तो सच बोलने पे भी मार पड़ती है। कुछ ज्यादा चोट चल रहा है तेरा? चोट नहीं चल रहा, जुबान चल रहा। जुबान काट के बाद ठीक बोलेंगे तुम्हें। अरे वाह, ये तो और अच्छा हो जाएगा, फिर तो आपके सवालों का जवाब भी नहीं देना पड़ेगा हमको। सर कह रहे 2+2 कितने होते? तुमको 2+2 नहीं पता? नहीं पता तभी तो पूछ रहे, आपको भी नहीं बताएगा? बेटा 2+2 होता है 4। अच्छा वो कैसे? बेटा मान लो तुम्हारे पास 2 एप्पल है, हमने और 2 एप्पल दे दी तुमको, अब बताओ तुम्हारे पास कितने एप्पल हुए? सर जी 2 एप्पल। 2 एप्पल वो कैसे? अरे सर पहले का 2 एप्पल हमने खा लिया ना। काहे खा लिया? अरे भूख लगी थी तो खा लिए, अब क्या करे बताओ? क्या मैं डकार ले सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। काहे तुम्हें बाप का नहीं सिखा? हम तो भैया डकार लेंगे तेरी। हमें
चक्कर किए ही जा रहे हो। 2 घंटे हो गए अभी तक क्लास खत्म नहीं हो रहा। तुम्हारी सरवा थोबड़ा देखने के लिए नहीं बैठे हम। गधा कहीं का जा रहे हम। टहल आए सर। अब तक कहाँ थे? बाहर मस्त टहल लेते हम। तुमको टहलने की तनख्वाह नहीं मिलती जो टहल रहे हो? किसकी मिलती है फिर? घुइया छिलने की मिलती है। हाँ तो कल से छिल लेंगे ना घुइया। बस आते वक्त लेते आइएगा। हे दाता विधाता मर जाएंगे हम इनके साथ रह रहे के। सर जी मरने से पहले हिसाब किताब कर दीजिएगा हमारा। बेटा हमारी शक्ल पे क्या लिखा है? गधा। हमारी शक्ल पे गधा लिखा है। अरे भाई अब लिखा है तो हम क्या करें? सर्दी में गर्म होने वाले काम मत करो। हमारे दिमाग अगर गर्म हो गया ना तो ये पांचों के पांचों उंगली तुम्हारी गाल पे धर देंगे। अभी यार एक तो इतनी सर्दी है कि ये स्वेटर भी हमको बनियान जैसे लग रहा। कोई गर्माहट मिल ही नहीं रहा हमको। अब आपके स्वेटर में आसमान के तारे जितने छेद है तो ऐसा लगेगा ही ना भैया। फिर तो हवा का आना जाना बनता है आपके छेद वाली बनियान में।